हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग बात करेंगे केवीएस के डिटेल सिलेबस के बारे में, बिकॉज द टेंटेटिव डेट फॉर द एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी बीन आउट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस जो है वो किस तरह से है, और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरे प्यारे बच्चों किस तरह से है। तो ये छोटी छोटी क्लासेस करेंगे, और जिसमें पेपर वन के जितने भी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो रीजनिंग की बात हो, वेदर वी टॉक अबाउट द रीजनिंग, वेदर वी टॉक अबाउट इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो हम सबकी छोटी छोटी क्लासेस में सबका जो सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको मतलब कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश का सिलेबस आने वाला है उसके बारे में। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन योर इंग्लिश इज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आपको पूरे पढ़ लेने हैं, फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल के बाद में आ जाता है आपका मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स पूरी आपको पढ़नी है, फिर उसके बाद में नरेशन जो है वो आपने पढ़ना है, जो प्रोनाउन है उनको आपको पढ़ लेना है। तो नाउन और प्रोनाउन तो खैर दोनों ही आएंगे, इसमें मेंशन नहीं है, उसका आप ध्यान रखें, क्योंकि नाउन के बिना तो कोई भी इंग्लिश कंप्लीट ही नहीं हो सकती, राइट। अब वो बात अलग है कि नाउन की डायरेक्टली जो आपसे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल ही इज आस्किंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन और काइंड ऑफ नाउन, ही विल बी अवॉर्डेड इन दैट वन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों वो प्रेजेंट रहेंगे, राइट। वर्ब्स आपकी रहेंगी, चाहे वो मॉडल वर्ब्स की बात हो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात हो, तो इन सबको आपने देखना है। फिर प्रीपोजिशन आपके आ जाते हैं, ये आपके सिलेबस में है। और अगर देखे जाए तो टेंस आपके सिलेबस में रहेंगे, आपकी पंचुएशंस आपके सिलेबस में रहेंगी, राइट। उसके अलावा आपकी वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है, इनको बहुत अच्छी तरह से आप देख लें। ये अक्सर लगभग हर क्वेश्चन पेपर में ही आते हैं ये, तो चाहे किसी का भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लेंगे। वोकेबुलरी आपकी रहेगी, और इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको देखने को मिलेंगे इसमें, जो एंटोनिम्स हैं और सिनोनिम्स हैं, 4 से 5 आपको मिल सकते हैं देखने को, राइट। उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ठीक है, पैसेज एक रहेगा, एंड फ्रॉम दैट पैसेज यू हैव टू फिगर आउट द आंसर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, और वर्ड पावर जो है वो भी आपकी रहेगी। तो इतना सारा जो सिलेबस है वो रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्कस करने के लिए छोटी सी चीज़ की, इसमें बदलाव क्या किया गया, राइट। पहले क्या होता था, प्रीवियस सिलेबस को आप देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टीजीटी का सिलेबस था, हम लोग ये टीजीटी की बात कर रहे हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन, जहाँ तक पीएचई की बात करेंगे तो पीएचई में क्या है आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में उसमें चेंजेस किए गए हैं, और इसमें क्या है जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो 10 नंबर का रखा गया। चलिए उसकी बात नहीं करते हम लोग, फिर सिर्फ इंग्लिश की बात करते हैं। तो अगर हम लोग पूर्व का सिलेबस देखें, यू विल गो बैक, तो वहाँ 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती थी, पर इस बार इसको चेंज करके 15 मार्क्स किया गया है, ठीक है। तो अब आपकी जो इंस्टीड ऑफ 10 मार्क्स क्या है, जो वेटेज आपका रहेगा पेपर में, वो 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी सी क्लास थी आपको, बस जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द इंग्लिश वेटेज इन द केवीएस एग्जामिनेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थी हैं वो इसको थोड़ा सा देख लें, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स के मुताबिक इसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के सिलेबस को। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही 2-3-4 क्लास हम करेंगे, एक सीरीज पूरी सी हम करने वाले हैं। जैसे ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं हिंदी की कुछ क्लासेस लूंगा, और हिंदी की कुछ क्लासेस में जो हमारा पूरा सिलेबस है उसको हम लोग डिटेल में कवर कर लेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको, ठीक है। और इंग्लिश का अगर टाइम रहेगा तो हम लोग देखेंगे, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर मेन कॉन्सेप्चुअल जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बस यही हम लोग खत्म करेंगे, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत शॉर्ट वो भी छोटी सी क्लास रहेगी हिंदी की, जिसमें हम हिंदी का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये बहुत जरूरी है सिलेबस के बारे में जानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एम डिसाइडेड नहीं है तो आपकी मतलब किस चीज की तैयारी करोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप नरेशन पढ़ने जा रहे हो, राइट, और नरेशन अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा उसको पढ़ने का, राइट। सो एग्जाम जो एग्जाम ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन विल गेट यू फॉर द बेटर रिजल्ट, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है आपके पास। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।